आ दूसरा यहां से मसाला वसाला पीस के लवै छी की करू खाइन कि ना मरै छी चूल्हा चक्की हमरा नै है सब डूब गेल है व्यवस्था नाली में सब बुढ़िया सब गिर गिर के डूबे छी। एक तो कोरोना महामारी ऊपर से ये कोरोना है एगो गंदा पानी से मरबे कि ना मर सड़क और नाला में तो कोई फर्क ही नहीं पता चल एकदम ना नाला बुझाय छे ना घर बुझाय छे ना कुछ बुझाय छे कि केना जाय भाई केना आय भाई। अच्छा की मांग करे छी अहां सब की मांग करे छी रोडो या नाला दोनों चीज जे केना या जाव केना दी जीते गांधी नगर कठरिया वाला मिलावेला दोनार गुमती लंग से असा कहिया तो समीर बाजार से कहना कहिया से सब स्थिति यहाँ के 20 साल से हमरा सब कहीं मसाला पीस के दूसरा जंग से ले आई छी कहाँ खाना बनाओ कहाँ रहो घर में पानी है। 20 साल से हम कभी नतीजा भोग अब अहाँ सब की स्टैंड लेब की करबे अहाँ सब हमरा सब के सड़क बना दू नाला बना दू क्या कहना चाह रहे हैं सर। देखिए इस पर हम इस वक्त हम लोग हैं गांधी नगर कटरिया मोहल्ला में जो दरभंगा नगर निगम अंतर्गत वार्ड 17 के एक वार्ड मोहल्ला में आता है। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक तरफ दरभंगा डीएम जो बोलते हैं कि शहर के 90% नाला की साफ सफाई करवा दी गई है जिसके जिसमें सिर्फ यह लगता है कि वो उन्होंने पैसा का बंदरबांट किया है लाखों रुपये का गबन किया है जिसका नतीजा आज आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पिछले 24 घंटा से मामूली सा बारिश जो थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो रहा है उसी में आज गांधीनगर कटरिया पूरा डूब चुका है। सड़क और नाला का पता तक नहीं चल रहा है कि सड़क कहाँ है और नाला कहाँ है। बड़े बड़े गड्ढे हैं लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। ये तो मामूली बारिश की बात है लेकिन हम लोगों को यह डर लग रहा है कि अगर कहीं तेज बारिश हो तो लोगों के घरों में पानी घुस जाएगा लोगों को रहना मुश्किल हो जाएगा लोगों का गाड़ी निकालना मुश्किल हो जाएगा। एक तो गांधीनगर कटरिया के साथ समस्या यह है कि यह मोहल्ला चारों तरफ जल जमाव की स्थिति से गिर जाता है। ना यहाँ आपको ना बाइक से जा सकते हैं ना कार से जा सकते हैं ना भी कोई साधन यूज कर सकते हैं तो लोग जाए तो जाए कहाँ। एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ यह जल जमाव की समस्या लोगों की जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया गया है। और एक दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन जो एक तरफ बोला जाता है कि शहर के 90% नालों की उगाही की जा चुकी है अगर उगाही की जाती है अगर साफ सफाई किया जाता तो यह स्थिति आज मोहल्ला की नहीं होती लेकिन यहाँ के जो नगर निगम प्रशासन है वो यहाँ के जनता को ठगने का काम कर रहा है वो भी एक आज से नहीं पिछले 20 सालों से यह लोग यहाँ के जनता को ठगने का काम कर रहा है। और यहाँ के लोग लगातार आंदोलन भी करते हैं और मांग भी करते हैं कि जल्द से जल्द नाला निर्माण हो लेकिन दुनार से टिनी पुल तक जो नाला निर्माण कार्य है पिछले 10 सालों से भी पूरा नहीं किया गया। विधायक सांसद न जाने कितने बड़े बड़े नेता जो दो बार इस नाला का शिलान्यास कर चुके हैं लेकिन आज तक गांधीनगर कटरिया वासियों को इस चीज से इस जल जमाव से इस गंदे पानी से छुटकारा नहीं मिल पाया। अमन सक्सेना गांधीनगर कटरिया दरभंगा।